तो उधर दूसरी तरफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है, जिसमें 25,000 करोड़ के करीब 2 करोड़ 50 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए टेंडर होना है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ निजी घराने ऊंची दर पर प्रीपेड मीटर के टेंडर की मंजूरी का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि डीपीआर में सिंगल फेज और 3 फेज प्रीपेड स्मार्ट मीटर की मानित लागत 6,000 रुपए तय थी, तो फिर टेंडर में यह लागत 10,000 क्यों आ रही है? सहयोगी फैज ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही यह विवादों में घिर चुका है। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो 25,000 करोड़ का एक बड़ा रकम से जो प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही जा रही है, आपका ये कहना है कि जो आने वाले समय में अगर इसको नहीं रोका जाता है तो एक सबसे बड़ा मीटर घोटाला हो सकता है, आखिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जब 2018 में स्मार्ट मीटर की खरीद हुई तो उसी वक्त हमने विरोध किया कि भाई ये आप 2G मीटर क्यों खरीद रहे हैं, 2G 3G ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। उस समय हमारी बात को लोगों ने नहीं माना और लड़ाई चलती रही। अंततः नियामक आयोग ने कहा जो उपभोक्ता परिषद की बात है वो सही है और आपको 4G खरीदना चाहिए। अंततः अब 12 लाख मीटर लगने के बाद जब पूरी प्रक्रिया बंद हुई, अब पावर कॉर्पोरेशन ने चिट्ठी लिखा है ईएसएल को कि हां वर्मा जी की बात सही है, 4G मीटर लगेंगे। अब जब 4G मीटर लगने की बात आई, अब वो मीटर को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से वो 12 लाख मीटर का जो एक अलग घोटाला था वो तो अलग अभी चल ही रहा है। अब इसी बीच जो टेंडर निकला लगभग 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, 25,000 करोड़ का टेंडर, ये भी 4G टेक्नोलॉजी खरीद रहे। अभी आपने, आपके चैनल ने भी चलाया, सबने चैनल ने चलाया कि लखनऊ में 5G लॉन्च हो गया। अब सवाल है कि आज अगर आप 4G का टेंडर करेंगे तो लगते लगते एक साल लगेगा, तब तक ये 4G टेक्नोलॉजी विदा हो जाएगी, 5G पूरी तरीके से आ जाएगी। तो आप पहली बात तो ये पुरानी तकनीकी के मीटर क्यों खरीद रहे हैं? अब दूसरे मुद्दे पर आइए, ये 4 क्लस्टर में टेंडर किया जा रहा है। 4 क्लस्टर में टेंडर मतलब 4 कंपनियों में टेंडर निकाला गया, मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल और दक्षिणांचल। चारों कंपनियों का टेंडर की लागत लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ की है। अब सवाल ये आता है कि 6,000 से 7,000 करोड़ की टेंडर क्यों निकाले गए? इसके पहले 8 क्लस्टर में टेंडर निकाले गए, उसको कैंसिल कराया गया। 8 क्लस्टर का जब टेंडर कैंसिल कराया गया, इसलिए कैंसिल कराया गया क्योंकि देश के जो मीटर निर्माता कंपनी, अब आप बताइए कि अगर हम मीटर खरीदने जाएंगे तो मीटर की दुकान पर जाएंगे ना खरीदने, टैक्सी बनाने वाली दुकान पर तो नहीं जाएंगे। टैक्सी वाले कहेंगे कि हमको मीटर चाहिए, तो टैक्सी वाला कहेगा अच्छा लाइए हम ऑर्डर ले लेते हैं, फिर मीटर कंपनी पर जाएंगे, वहां से लाके आपको देंगे, ऐसा तो नहीं होता। यहां क्या हो रहा है, मीटर निर्माता कंपनियों को बाहर करने के लिए 8 क्लस्टर के टेंडर को कैंसिल करके 4 क्लस्टर में किया गया, जिससे उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जब 6 से 7 हजार करोड़ का टेंडर की लागत हो गई, कीमत उसकी हो गई, तो जो मीटर निर्माता कंपनियां देश की, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो 7 हजार करोड़ के टेंडर में भाग लें। तो उसमें भाग लेने कौन आया? जीएमआर आया, अडानी आया, इंटेली स्मार्ट आया, देश के और बड़े बड़े निजी घराने एलएनटी आया। अब सवाल यह होता है कि हम बिचौलिया को टेंडर का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? ये फिर मीटर निर्माता कंपनी उस मीटर खरीदेंगे, जो मीटर नहीं बनाते उनको आप टेंडर क्यों दे रहे हैं? इसका जो असर है आम जनता पर भी पड़ेगा, कि जैसा आप बता रहे 6,000 रुपया की कीमत रहती थी, लेकिन अगर इनको टेंडर दिया जाता, अगर मंजूरी हो जाती, उनको मिल जाती है, तो कीमत बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों पर। ये पूरा प्रोजेक्ट 8 साल का है, टोलेक्स मॉडल पे है। टोलेक्स मॉडल ये होता है कि ये जनता हर महीने जनता के ऊपर जाएगा। वही विद्युत नियामक आयोग जो हमारा सबको देखने के लिए बना है, विद्युत नियामक आयोग लगा है तार, कह रहा है कि स्मार्ट मीटर पर जो भी खर्च होगा पर पास आने होगा। अभी इस मामले पर विद्युत नियामक इनको 2 टूक कह चुका है, आपत्ति किया है, हमारी आपत्ति को उसमें लिखा है कि टेंडर नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में है, और नियामक आयोग लगातार इनको कह रहा है कि मैं इसका पब्लिक पर भार नहीं डालूंगा। तो सवाल है, जब पब्लिक पर भार नहीं डालेंगे, नियामक आयोग एग्री नहीं है, तो आप इस मीटर को क्यों खरीद रहे? ये थे मेरे साथ अवधेश वर्मा जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जो निजी घराने के लोग हैं, अगर उनको टेंडर मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका भार आम जनता पर भी पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर इसको नहीं रोका जाता है तो आने वाले समय में सबसे बड़ा मीटर घोटाला भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मैं फैज अहमद, रफ्तार मीडिया, उत्तर।